नमस्कार, मैं प्रमोद स्वागत करता हूं आपका टारगेट भी था लोग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन टीजीटी के अध्ययन के क्रम में आपके सिलेबस का जो तीसरा टॉपिक होता है उसके विषय में यहां पर अध्ययन करेंगे। बहुत जोरदार टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, इंटरेस्टेड है थोड़ा सा, इसमें आपको जीव विज्ञान की झलक भी देखने को मिल सकती है। तो बहुत उम्दा टॉपिक है और हमारे एग्जाम के नजरिए से भी यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार, बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यहां से समझने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, हम लोग शब्दों के कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे, बिल्कुल क्लियर तरीके से पूरा टॉपिक हमारा हमारे सामने आ जाएगा। शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार, देखिए सिंपल सी बात है, शरीर के विषय में जानकारी यदि आपको प्राप्त करनी है या शरीर से संबंधित समस्त प्रकार की आंतरिक तथा बाह्य क्रियाओं की जानकारी से संबंधित कोई भी बात, यदि कोई भी बारीकी आपको समझना होगा तो आपको जाना पड़ेगा किसके शरण में, जीव विज्ञान के शरण में। बगैर जीव विज्ञान के आपको कभी भी शरीर से संबंधित बारीकियों की जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती। अब चूंकि हम एक शारीरिक शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसलिए फिजिकल एजुकेशन के पहले फिजिकल यानी कि जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं उसके विषय की बारीक जानकारी हमको होना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए आपके टॉपिक में शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार को शामिल किया गया है। यहां से शरीर की संरचना, शरीर का निर्माण और उसके वृद्धि और विकास की प्रक्रिया और शरीर की आंतरिक क्रियाओं के विषय की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। यहां से आपको एक चीज स्पष्ट होगी कि शरीर हमारा आंतरिक रूप से कार्य करती है। अब कई लोग यदि इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि शरीर हमारी आंतरिक रूप से कार्य करती है तो उसका महत्व क्या है, उसके महत्व को भी एक्सेप्ट करना होगा। हमको एक बात तो पता है कि हमारी शरीर इंटरनल भी वर्क करती है, हमारा ब्रेन काम करता है, हमारा लीवर काम करता है, हमारे पाचन अंग काम करते हैं, हमारा हार्ट काम करता है, सभी जितनी कोशिकाएं हमारे शरीर में सभी कोशिकाएं काम करती हैं। यदि हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई स्वयं वर्क करती है हमेशा, तो हम पूरी यूनिट को लेकर के, पूरी इकाई को लेकर के शरीर के रूप में काम क्यों नहीं करेंगे। यानी कि हमको भी तो हमारे शरीर के अंगों का संचालन करना आवश्यक माना जाएगा। तो यहां से जीव विज्ञान और शारीरिक शिक्षा के बीच के संबंध को आप समझेंगे, इससे फायदा यह होगा शारीरिक शिक्षा को भली भांति आप समझ पाएंगे। जब बात करेंगे शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार की, जब भी बात करेंगे हम लोग, तब वहां पर जीव विज्ञान का प्रवेश होता है। जीव विज्ञान ही वह अध्ययन का विषय है जो शरीर के विषय से संबंधित सर्वोच्च जानकारी या सर्वोत्तम जानकारी हम तक उपलब्ध करवाता है। अन्य प्राणियों की भांति मनुष्य की भी एक अपनी जैविक सत्ता होती है और उसका अपना एक श्रमिक इतिहास है। जैसे अन्य प्राणियों का विकास होता है और जीवन जीने के लिए वह श्रम करता है, संघर्ष करता है, ठीक उसी तरीके से मनुष्य का भी अपना एक श्रमिक इतिहास रहा है। माता के गर्भ में प्रवेश होता है, उसके पश्चात शरीर की कोशिकाएं काम करना शुरू कर देती हैं, वृद्धि और विकास का कार्य शुरू हो जाता है और धीरे 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 करके जब हम गर्भ से बाहर निकलते हैं, एक शारीरिक संरचना हमको प्राप्त हो चुकी होती है, उस शारीरिक संरचना को लेकर के जब हम एक नए एनवायरमेंट में प्रवेश करते हैं तब शुरू होता है हमारे जीवन का असली संघर्ष। वो संघर्ष क्या है, जीवन जीने का और एनवायरमेंट से तालमेल बैठाने का। इन समस्त संघर्षों में मनुष्य न जाने कितनी चुनौतियों का सामना करते हुए, न जाने कितने चैलेंज से, न जाने कितने संघर्षों से लड़ते हुए अपने जीवन को किस तरीके से वह संचालित करता है। और इतना ही नहीं, पैदा होने के बाद न जाने कितने प्रकार के व्यवहारिक परिवर्तनों के जरिए वह अपने एनवायरमेंट से तालमेल स्थापित कर पाता है। कई अवस्थाओं से होकर के धीरे धीरे यह सर्वोच्च शिखर तक पहुंच पाता है। इतना आसान नहीं था कि मानव का इस सृष्टि में श्रेष्ठ हो जाना। अन्य सभी प्रकार के प्राणियों से तुलना करें तो मनुष्य इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठतम प्राणी माना जाता है, क्योंकि जो इसका श्रमिक इतिहास रहा है, जो इसका संघर्ष रहा है, इसका संघर्ष शायद अन्य प्राणियों से बेहतर रहा है, क्योंकि यह केवल संघर्ष नहीं किया, इसने अपने मस्तिष्क का अधिक से अधिक प्रयोग किया। मस्तिष्क के अधिकाधिक इस्तेमाल से इसने अपने जीवन को सरल बनाने का प्रयत्न किया। और आज के दौर में जब हम आधुनिक संदर्भ में आ जाते हैं तो शायद जीव विज्ञान से ही एक बात की पुष्टि यह भी हो जाती है कि व्यक्ति
लगातार श्रम करते करते अपने जीवन को सरल बनाते बनाते एक चीज तो करने लगा है कि जहां पर पूर्वज हमारे प्राचीन समय के मानव अपने जीवन को सरल बनाने के लिए फिजिकल वर्क ज्यादा करते थे, शारीरिक श्रम ज्यादा करते थे, वहीं पर धीरे धीरे सभ्यता का विकास होता गया, पीढ़ियां दर पीढ़ियां बदलती गईं और व्यक्ति शरीर से वर्क करने की बजाय मस्तिष्क का ज्यादा इस्तेमाल करने लगा और आज का मानव वहां तक पहुंच चुका है कि वह शरीर का कम उपयोग करता है, शरीर से कम श्रम करता है, दिमाग से या मस्तिष्क से ज्यादा श्रम करता है। यह शारीरिक शिक्षा के नजरिए से एक खतरनाक हो सकती है सूचना कि जब व्यक्ति शारीरिक वर्क नहीं करके केवल मानसिक वर्क करेगा तो अपने इर्द गिर्द आधुनिक ज्ञान विज्ञान से इतने संसाधनों को इकट्ठा कर लेगा कि उसके शरीर से कोई वर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो केवल मस्तिष्क का ही वह प्रयोग करेगा। तो ऐसा भी विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि शरीर के जिस अंग का उपयोग हम नहीं करते हैं उस अंग की कार्य क्षमता बाधित हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो जब व्यक्ति अपने मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करेगा, अपने पास वह संसाधनों को इकट्ठा करेगा, मशीन से ज्यादा जुड़ जाएगा, मशीनों के जरिए ज्यादातर कार्य होगा, शरीर का कम इस्तेमाल होगा, मस्तिष्क का ज्यादा इस्तेमाल हो गया, तो वो दिन दूर भी नहीं रहेगा कि जब व्यक्ति केवल मस्तिष्क का अस्तित्व ही व्यक्ति के शरीर में रहेगा, यानी कि व्यक्ति पैदा तो होगा लेकिन मस्तिष्क वाला ही केवल व्यक्ति होगा, शरीर वाला व्यक्ति नहीं होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि शारीरिक रूप से कार्य क्षमता बहुत प्रभावित हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और आपको यह बात भली भांति पता होगा कि अपने पूर्वजों तक यदि हम लौटें, पापा के समय लौटें, दादा के समय लौटें या उनसे पहले लौटें, तो आप पाएंगे कि उनकी शारीरिक क्षमता, शारीरिक कार्य कुशलता कुछ और थी, हमारी शारीरिक क्षमता, हमारी शारीरिक कार्य कुशलता कुछ और है। हाँ, एक मामले में अंतर है, उनकी मानसिक क्षमता कुछ अलग थी। आम उनकी तुलना में आज के दौर का मानव मानसिक क्षमता में, मानसिक क्रियाशीलता में, मानसिक सक्रियता में कहीं ना कहीं उनसे श्रेष्ठ है। इसी कारण से तो वह अपनी सुविधाओं के लिए, वह अपने जीवन को सरल बनाने के लिए तमाम प्रकार के संसाधनों का आविष्कार कर पाया है। तो यहां तक मनुष्य पहुंचा कैसे? मनुष्य सृष्टि में आया या सृष्टि में आकर के धीरे धीरे उसने श्रम किया, उसकी पीढ़ियां बीतती गई, शताब्दियां बीतती गई, युग परिवर्तित होते गए और मनुष्य परिवर्तित होते चला गया। तो एक जो जैविक आधार जो हमारे पूर्वजों ने या हमारी पहली पीढ़ी के द्वारा तय किया गया, वो जैविक आधार था जो श्रमिक इतिहास को समझाता है कि आज हम आज के समय में पहुंचे हैं कि जहां पर हम शारीरिक श्रम को कम तवज्जो देकर के किसको तवज्जो देते हैं, मानसिक श्रम को अधिक तवज्जो देते हैं, क्योंकि शारीरिक श्रम की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं पड़ती हमको। जैसे रोड बनाना पहले के समय में क्या था, श्रम होता था, शारीरिक श्रम होता था तब बनता था। आज के समय में मानसिक श्रम करके मशीन का आविष्कार कर दिया गया है और उस मशीन से उसको तैयार कर दिया जाता है, तो मस्तिष्क का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। फिलहाल ये तो हमने भूमिका आपको समझा दिए कि शारीरिक शिक्षा में जैविक अध्ययन क्यों करना है, जीव विज्ञान का अध्ययन क्यों करना है, शारीरिक शिक्षा के बायोलॉजिकल फाउंडेशन को क्यों जानना जरूरी है। तो शायद आपके समझ में आ गया होगा कि शारीरिक शिक्षा के बायोलॉजिकल फाउंडेशन को हमको इसलिए समझना होगा क्योंकि यह जानना है कि शरीर वर्क किस तरीके का करता है। तो यह किससे पता चलेगा, बायोलॉजिकल नॉलेज से हमको जानकारी प्राप्त होगी। यही जो बायोलॉजिकल नॉलेज शरीर के विषय का है, यही है बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित सूचनाओं की जानकारी हमको बायोलॉजी से प्राप्त होती है और वह वही क्षेत्र है अध्ययन का जो हमको ये बता देता है कि जीव विज्ञान हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, या यूं कह लें कि जीव विज्ञान ही वह शाखा है जो हमारे जीवन के आधार को और हमारे जीवन के सर्वोच्च शिखर को व्याख्यायित कर सकता है। जीव विज्ञान ही हमको बता सकता है कि हमारी शरीर आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में काम करती है। जीव विज्ञान ही हमको ये बता सकता है कि आज के समय में हम शरीर के किस पार्ट का सर्वाधिक इस्तेमाल करते हैं, शरीर के किस अंग का सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं, तो पता लगेगा कि मस्तिष्क का हम इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। यहीं से हमको जीव विज्ञान से ही हमको इस गुणवत्ता की जानकारी मिलेगी कि क्या हम अपने शरीर में केवल मस्तिष्क का ही अधिक इस्तेमाल करें तो हम सुखी और समृद्ध रहेंगे। तो जीव विज्ञान कहेगा कि नहीं बेटा, केवल मस्तिष्क का ही इस्तेमाल करोगे तो सुखी और समृद्ध नहीं रहोगे, क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाएं जब नहीं थकी, जब से मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ इस सृष्टि में,
तब से लेकर के आज तक के मानव के शरीर की सभी सूक्ष्मतम इकाई यानी कि सभी छोटी छोटी कोशिकाएं वर्क करते नहीं थक रही हैं, वो तो अपना काम नहीं बंद कर रही हैं, वो तो अपने कार्य का तरीका नहीं परिवर्तित कर रही हैं, वो तो कोई ऐसी मशीन निर्मित नहीं कर रही है। जैसे पाचन के अंग जितने हैं, लीवर का जो काम है, लीवर का काम तब भी था जब हमारे पूर्वज थे, आदिमानव के समय में हम चले जाएंगे, लीवर तब भी वही काम करता था भोजन को पचाने का, लीवर आज भी वही काम करता है भोजन को पचाने का। लीवर ने तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं निकाल ली कि हम काम ना करें बैठे बैठे भोजन को पचा दें, वो तो वर्क कर रहा है। लेकिन हम काम करने से भागते हैं, हम शारीरिक श्रम करने से भागते हैं, उसके लिए हम ब्रेन का इस्तेमाल करके संसाधनों को निर्मित करके उसके जरिए हम काम करते हैं, हम शरीर का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं। तो जीव विज्ञान ही हमको ये समझाएगा कि जब शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कोशिका मानव इतिहास के प्रारंभ से लेकर के अब तक श्रम करते हुए नहीं थकी या उसने अपने काम को कभी रोका नहीं, तो हम मनुष्य जब पूरे शरीर की कोशिकाओं की एक इकाई लेकर के टहलते हैं तो हम क्यों शरीर से वर्क करने से डरते हैं? इसका मतलब अगर हम शरीर का बाहरी वर्क करना बंद कर देंगे, बाह्य कार्य हम बंद कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं या आंतरिक क्रियाएं होती हैं कोशिकाओं की, उनमें भी बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए शारीरिक शिक्षा में जीव विज्ञान का महत्व हो जाता है। यही है शारीरिक शिक्षा की जैविक सत्ता या जैविक आधार। तो जिस तरीके से सभी प्राणियों का जैविक विकास होता है, उसी तरीके से मनुष्य का भी एक जैविक विकास होता है, एक जैविक इतिहास इसका होता है। आइए चर्चा करते हैं कि क्या जैविक विकास और क्या जैविक इतिहास मनुष्य का होता है। जैसे एक निषेचित अंड से हमारे शरीर का विकास होता है, यही हमारी जैविक सत्ता होती है। जैविक सत्ता को समझने के लिए हम चलते हैं, यानी कि जो बायोलॉजिकल उत्पत्ति हमारी है ना, जैविक उत्पत्ति हमारी है, हम उस पर चलते हैं, वहां से धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, अपने वृद्धि विकास तक पहुंचेंगे, तो क्लियर समझ में आएगा कि हमारे शरीर का जैविक आधार क्या है, बायोलॉजिकल फाउंडेशन क्या है हमारे शरीर का। तो पिता के शुक्राणु से और माता के अंडाणु से, पिता के शुक्राणु से और माता के अंडाणु से एक संयुक्त कोष का निर्माण होता है। बट टू द पॉइंट यहां से हम आपको समझा देते हैं। पहले तो 5 मिनट हमने भूमिका आपको समझा दी कि क्यों हमको पढ़ना है बायोलॉजिकल फाउंडेशन उसका। अब हम लोग समझेंगे एग्जैक्ट कि ह्यूमन बॉडी का जो बायोलॉजिकल फाउंडेशन होता है वो कैसे तैयार होता है। फाउंडेशन का मतलब न्यू आधार, जैविक आधार हमारे कहने का मतलब है कोई भी मकान बनता है तो उसकी न्यू पहले बनती है, तभी वो मकान खड़ा हो सकता है, और खड़ा ही नहीं रह सकता, अपने अस्तित्व में बना रह सकता है। सेम उसी तरीके से हमारी शरीर भी ये बनी हुई है, आज यदि रुकी हुई है, एक अपने वर्क को कायम किए हुए है, तो इसका भी एक फाउंडेशन है, इसका भी अपना एक आधार है। वो आधार कहाँ तय होता है? तब वो आधार तय होता है पिता का शुक्राणु और माता का अंडाणु, इन दोनों के मिलने से। निषेचन प्रक्रिया के पश्चात जब ये दोनों मिलते हैं तो जायगोट का विकास होता है। जायगोट को हम कह सकते हैं हिंदी में संयुक्त कोष का विकास होता है, संयुक्त कोष का विकास होता है, इसी को कहेंगे निषेचित अंड का विकास हो गया। इसी संयुक्त कोष में ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया होती है, यानी कि एक प्रकार से कहें तो कोशिकी विभाजन का कार्य चलता है, भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होता है किस तरीके का? मेढक के बहुत छोटे बच्चे के जैसे गर्भ में मनुष्य का अवधान होता है, मनुष्य की उत्पत्ति होती है, वही हमारा बायोलॉजिकल फाउंडेशन तैयार होता है। यानी कि एक कोशिका जो अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से तैयार हुई संयुक्त कोष, यही हमारा बायोलॉजिकल फाउंडेशन है, यानी कि यही हमारी जैविक सत्ता या हमारा जैविक आधार होता है। इसी जैविक आधार में ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया होती है, कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं धीरे धीरे, और कोशिकाएं उसी अनुरूप बढ़ती हैं जिसकी अनुवांशिकता होती है। यानी कि अगर मनुष्य की है तो वह मनुष्य की प्रजाति को फॉलो करते हुए कोशिकाएं बढ़ेंगी। मनुष्य प्रजाति को फॉलो करने का तात्पर्य क्या है कि निषेचित अंड जिस अनुवांशिकता का होगा, जिस जैविक सत्ता का होगा, वही शारीरिक प्रारूप वो प्राप्त करेगा। अगर मनुष्य का निषेचित अंड है, तो वह मनुष्य की जैसी शारीरिक संरचना को प्राप्त करेगा। कुत्ते बिल्ली या अन्य प्राणियों के निषेचित अंड की बात करेंगे
तो कुत्ते का अगर निषेचित अंड है तो वह उसकी शारीरिक संरचना में विकसित होगा, बिल्ली का निषेचित अंड है तो वह उसकी शारीरिक संरचना में को प्राप्त करेगा। यानी कि गर्भ में सभी प्रकार के प्राणियों का जो निषेचित अंड होता है वो एक होता है, एकमात्र कोशिका बनती है और वही कोशिका विभाजित होती है ब्लास्टोसिस्ट के जरिए, तो कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं। लेकिन वो कोशिकाओं के बढ़ने का मतलब है कि एक निश्चित आकृति में वो कोशिकाएं बढ़ती हैं, एक निश्चित आकार एवं संरचना होती है उनके जुड़ने की, उनके संगठित होने की। अगर मनुष्य है तो अपने प्रजाति का अनुसरण करके कोशिका उसी के अकॉर्डिंग विकसित होकर के धीरे धीरे अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है। यही से गर्भ में से ही एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, हमारे वृद्धि और विकास की प्रक्रिया गर्भ से प्रारंभ हो जाती है। यही से हम वर्क करना शुरू कर देते हैं। निषेचित अंड यानी कि जायगोट से संयुक्त कोष से धीरे धीरे कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं और हम कार्य करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पैदा होने के बाद ही काम करते हैं। हमारे काम करने का मतलब क्या है, हमारे शरीर की कोशिकाओं का काम करना। और हमारे शरीर की कोशिकाएं कब से काम करती हैं, जब हमारा अस्तित्व गर्भ में होता है तभी से काम करना शुरू कर देती है हमारे शरीर की कोशिकाएं, एकमात्र कोशिका। और एकमात्र कोशिका से एक शरीर का आकार मिल जाना, एक शरीर का आकार मिल जाना गर्भ में, तो इसका मतलब है कि कोशिकाओं ने काम किया। कोशिकाओं ने काम करने का क्या मतलब है, हमारे शरीर ने काम किया। जब कोशिकाएं मिलती हैं, जुड़ती हैं, तो कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग तंत्र का विकास होता है। और विभिन्न प्रकार के जब अंग तंत्र हमारे शरीर में बन जाते हैं तो वो अपने अपना कार्य में लग जाते हैं, अपने अपने कार्य को करना शुरू कर देते हैं। यानी कि हमारे जैविक आधार में ही हमारे वर्क डिसाइड होने लगते हैं, यानी कि शरीर का आंतरिक कार्य गर्भ में ही शुरू हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं वृद्धि और विकास की प्रक्रिया, हमारे गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और पैदा होने के बाद से लेकर के जीवन पर्यंत तक ये चलती रहती हैं। लेकिन इसमें दो बारीकियां हैं, उन दोनों बारीकियों को हम समझ लें। यहां पर हमारा विकास का कार्य होता है, हमारी कोशिकाओं में विकास का कार्य चलता है, डेवलपमेंट का कार्य चलता है। किस तरीके से डेवलपमेंट का कार्य चलता है उसको समझते हैं। एक शब्द आता है विकास। ये जो विकास होता है ना, इसकी दो प्रक्रियाएं होती हैं। विकास की ये दो प्रक्रियाएं, एक प्रक्रिया होती है इसकी परिमाणात्मक, या इसको मात्रात्मक कह सकते हैं, या इसको क्वांटिटेटिव कह सकते हैं। एक दूसरी प्रक्रिया होती है गुणात्मक, बहुत बारीकी से और एकदम सिंपली भी समझ में आ जाएगा। एक क्वांटिटेटिव परिवर्तन हमारे अंदर होता है, एक क्वालिटेटिव परिवर्तन हमारे अंदर होता है। क्वांटिटेटिव परिवर्तन और क्वालिटेटिव परिवर्तन, ये दोनों गर्भ से ही शुरू होता है। एक कोशिका से कोशिकाओं का बढ़ना क्वांटिटेटिव परिवर्तन को दर्शाता है, मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। कोशिकीय एवं वृद्धि एवं विकास का कार्य गर्भ में शुरू हो जाता है, तो हमारे मात्रा में परिवर्तन होता है। जो हमारे शरीर के मात्रा में परिवर्तन होता है उसी को ग्रोथ के नाम से जाना जाता है, वृद्धि के नाम से जाना जाता है। और ये जो वृद्धि की प्रक्रिया है यह आजीवन नहीं चलती है, इसका अपना एक निश्चित समय होता है। एक निश्चित समय होने का मतलब क्या है कि परिपक्व हो जाने के बाद, मैच्योरिटी की एज पर पहुंच जाने के बाद मात्रात्मक परिवर्तन हमारे शरीर का रुक जाता है। लेकिन जो क्वालिटेटिव परिवर्तन होता है हमारा, गुणात्मक परिवर्तन जो हमारा होता है, ये गर्भावस्था से शुरू होकर के मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। इस प्रकार से आप देखिएगा कि जो बायोलॉजिकल फाउंडेशन हमारा तैयार हुआ है गर्भ में, वहां से हमने वर्क करना शुरू किया और कहां तक हम वर्क करने चले जा रहे हैं, मृत्यु तक हम वर्क करते चले जा रहे हैं। किस तरीके का वर्क करते हैं, गर्भावस्था में केवल आंतरिक वर्क हमारे शरीर का होता है और पैदा हो जाने के बाद आंतरिक और बाह्य एक और वर्क जुड़ जाता है, एक बाह्य क्रिया शरीर की जुड़ जाती है। क्यों, क्योंकि एक एनवायरनमेंट हमको मिला है, उसी एनवायरनमेंट से हमको अनुकूलित होना है जीवन जीने के लिए, तो अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट स्थापना के लिए जो जो आवश्यकताएं होंगी वो आवश्यकताओं की पूर्ति हम करेंगे, यानी शरीर का संचालन हम अवश्य करेंगे। जब हम जाएंगे अपने प्राचीन इतिहास में, आदिमानव में जाएंगे, पहली बार जब सृष्टि पर मनुष्य ने पांव रखा तो उसने भी यही काम किया। गर्भ में उनका आधार तय हुआ, उनका भी गर्भ में उनकी वृद्धि और विकास का कार्य हुआ,
पैदा होने के बाद भी वर्क हुआ, लेकिन पैदा होने के बाद उनके सामने अधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां थी, यानी उनका जो श्रमिक इतिहास है वो बहुत जटिल है। वहां जीवन को बचाए रखने के लिए भोजन की जरूरत पड़ी और उस भोजन की पूर्ति के लिए उनको शरीर के अंगों का संचालन करना पड़ा, इसीलिए शारीरिक शिक्षा वहीं से शुरू मानी जाती है, हमारी प्राचीन सभ्यता से ही मानी जाती है। और आज के दौर में भी ऐसा होता है, आधुनिक मानव के साथ भी ऐसा होता है, मानव ही नहीं प्रत्येक प्राणी जो पैदा होता है वो शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है, यही तो है शारीरिक शिक्षा। और ये शारीरिक शिक्षा को तय कौन कर रहा है? जैविक बायोलॉजिकल फाउंडेशन ही शारीरिक शिक्षा को तय कर रहा है। यदि हमारा बायोलॉजिकल फाउंडेशन ठीक नहीं होगा, यानी कि संपूर्ण शरीर यदि हमको नहीं प्राप्त होगी, तो कहीं ना कहीं हमारी जो फिजिकल लैंग्वेज है वो परिवर्तित हो जाएगी, बॉडी लैंग्वेज हमारी परिवर्तित हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि गर्भ से शुरू होता है हमारा परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन। परिमाणात्मक परिवर्तन यानी कि ग्रोथ की प्रक्रिया एक निश्चित समय तक चलती है और मैच्योर हो जाने के बाद यह प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन जो गुणात्मक परिवर्तन है वह गर्भावस्था से शुरू होकर के मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। कैसे चलता रहता है? गर्भावस्था में देखिए, शरीर का बढ़ना यह तो सबके समझ में आ रहा होगा कि मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन गर्भावस्था में कैसे हो रहा है? गुणात्मक परिवर्तन की जब भी बात करें हम, तो गुणात्मक परिवर्तन केवल यह नहीं है कि हम समाज से कुछ सीखें और हम मानसिक विकास करें, हम क्वालिटी को प्राप्त करें और वही क्वालिटी का परिवर्तन केवल विकास कहलाएगा, ना। जो हमारी कोशिकाएं हैं वह कोशिकाएं जटिल से जटिल क्रियाएं सीखती जाती हैं, वो भी गर्भ में बच्चा होता है तो केवल मां के आहार से ही पोषण उनको प्राप्त हो जाता है। धीरे धीरे पाचन अंगों का विकास हो रहा है, इसका मतलब है कि कोशिकाएं धीरे धीरे पाचन का वर्क सीख रही हैं। ये मात्रात्मक परिवर्तन नहीं है, ये गुणात्मक परिवर्तन है। कोशिकाओं का बढ़ना मात्र मात्रात्मक है, लेकिन कोशिकाओं का कार्य सीखना और कार्य में परिणित कर देना उस व्यवहार को, ये गुणात्मक परिवर्तन है। प्रारंभ में जब बच्चा गर्भ में होता है तो माता से वह पोषण प्राप्त करता है, माता के भोजन से, पचे पचाए भोजन से ही वो पोषण प्राप्त करता है। लेकिन जब वह बच्चा पैदा होता है तब अब वही कोशिकाएं हैं पाचन अंगों की जो बाहर से दूध पिला रहे हैं, बाहर से भोजन देने लगे, तो अब वो नया कार्य सीख लिए उसको पचाने का भी। अब तक जब गर्भ में थे तो केवल माता से पोषण प्राप्त कर रहे थे, लेकिन पैदा होने के बाद वो कोशिकाएं भोजन को पचाने का काम सीख गई। और निश्चित रूप से पहले शुरुआत में बच्चा केवल दूध पिएगा, दूध को पचाएगा, फिर धीरे धीरे बच्चे की उम्र आगे बढ़ेगी, भोजन खाएगा, भोजन को पचाने की कला धीरे धीरे सीखेगा। आप देखते होंगे कि शुरुआत में बच्चे को भोजन भी सरल सरल दिया जाता है, यानी कि जिसका पाचन आसानी से हो जाए, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र आगे बढ़ती है भोजन का जटिल रूप भी उसके सामने आता जाता है, यानी कि कोशिकाएं उनका भी पाचन करना सीख लेती हैं। पहले सिंपल भोजन करता है, फिर वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर के मांसाहारी भोजन भी करता है, तो मांस को पचाने की प्रक्रिया भी हमारी कोशिकाएं सीख लेती हैं। वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर के तमाम खाद्य अखाद्य तमाम प्रकार की वस्तुओं का सेवन करने लगता है, पानी पीना चाहिए तो अल्कोहल पीने लगता है, उसको भी पचाने की प्रक्रिया हमारी कोशिकाएं सीख ले रही हैं। तो कोशिकाएं भी तो वर्क सीखती हैं नया नया, उनके भी तो क्वालिटी में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए गर्भावस्था से ही क्वालिटेटिव परिवर्तन होता है। कोशिकाओं के संदर्भ की बात करें तो बॉडी के हिसाब से यदि हम बात करें तो क्वालिटेटिव परिवर्तन गर्भ से ही शुरू होकर के मृत्यु तक चल रहा है, लेकिन एक और क्वालिटेटिव परिवर्तन होता है पैदा होने के बाद, जो हम मानसिक और बौद्धिक विकास करते हैं। यह भी एक प्रकार का क्वालिटेटिव परिवर्तन है कि हम पैदा होने के बाद केवल कोशिकाएं ही हमारी बारीकी नहीं सीखती हैं, बल्कि हम भी बौद्धिक विकास करते हैं, मानसिक विकास करते हैं। यह भी एक प्रकार का व्यवहारिक परिवर्तन है, यह भी एक प्रकार के गुणों में परिवर्तन है, यह भी एक विकास का हिस्सा है। ठीक है, पैदा होते हैं तो हाथ पैर का संचालन बच्चा केवल उछल कूद वहीं सोए सोए करता है, लेटे लेटे हाथ पैर पटकता है, वही बच्चा धीरे धीरे फिर बैठने लगता है, वही बच्चा धीरे धीरे खिसकने लगता है, वही बच्चा धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। यह भी तो कोशिकाओं का गुण ही है। अब इन गुणों के साथ साथ ग्रोथ भी हो रहा है, जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है वैसे वैसे क्वालिटी प्राप्त कर रहा है, जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है वैसे वैसे क्वालिटी प्राप्त कर रहा है। लेकिन एक समय पर ग्रोथ पूरा हो जाएगा जब,
तो क्वालिटी की प्रक्रिया फिर आगे बढ़ती रहेगी। क्वालिटी यानी कि अनुभव प्राप्त होते रहेंगे, उस अनुभव के आधार पर जीवन सरल होता जाएगा, जीवन जीने का तरीका सीखता जाएगा, एडजस्टमेंट इन्वायरमेंट से करता जाएगा, नए नए व्यवहार सीखता जाएगा, अपने आप को अपने समाज में अपने परिवेश में अनुकूलित करता जाएगा, इस प्रकार से वह विकास करता जाएगा और मृत्यु पर्यंत उसका विकास होता चला जाएगा। तो आई होप कि आपके बात में एक आपके दिमाग में एक बात तो समझ में आ गई, हमारा जैविक आधार जो तय होता है वो मां के गर्भ में होता है निषेचित अंड से, जिसे जायगोट बोलते हैं, संयुक्त कोष। वही संयुक्त कोष ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया से विकसित होकर के शरीर का रूप लेता है, शरीर को स्वरूप प्रदान करता है और वही हमारा कार्य की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वही हमारा फिजिकल वर्क शुरू हो जाता है। वही गर्भ में जैसे ही शरीर को संरचना मिली हमारा वर्क शुरू हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वर्क शुरू हो गया और पैदा होने के बाद तक ये ग्रोथ का कार्य चलेगा, लेकिन डेवलपमेंट का कार्य उसी समय से लेकर के मृत्यु तक चलता रहता है। ये तो हमारे शरीर के आधार पर हमारी क्रियाएं हो गई। एक शारीरिक शिक्षक को इस बात की जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वह अपने बच्चों को भावी पीढ़ियों को इस बात से अवगत करा सके कि बेटा जब हमारे शरीर की कोशिकाएं जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे मूलभूत इकाई हमारे शरीर की है, वह कार्य करती हैं और वह सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के अब तक कार्य करने से नहीं थकी है, तो हम एक पूरी इकाई पूरी कोशिकाओं का इतना बड़ा समूह लेकर के हम क्यों फिजिकल वर्क करने से डरें, हमको फिजिकल वर्क करने से क्यों संकोच होना चाहिए। इसलिए बच्चों को प्रेरणा प्राप्त होगी और किस तरीके से वर्क करवाना है बच्चों से उनके शरीर के आधार पर वो शारीरिक शिक्षा विषय से जानकारी बच्चों को उपलब्ध करवा पाएगा। अगर एक शारीरिक शिक्षक को शरीर के जैविक आधार के विषय की जानकारी नहीं है तो वह कभी भी शारीरिक शिक्षक नहीं हो सकता है, शरीर से संबंधित बारीकियों की जानकारी बच्चों को कभी भी उपलब्ध नहीं करवा सकता है। यही प्रक्रिया में वृद्धि और विकास के चरण में, इसी प्रकार से वृद्धि और विकास के चरण में हम कई अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं। ये जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया हमारी चलती है, जैविक फाउंडेशन जो हमारा तय हो गया, बायोलॉजिकल फाउंडेशन जो हमारा तय हुआ, वहां से शरीर का विकास हुआ और शरीर के विकास होने के बाद जब हम पैदा हुए, पैदा होकर के हम मृत्यु तक जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं। वो अवस्थाएं हमारे सामने होती हैं शैशवावस्था, वो अवस्था हमारे सामने होती है बाल्यावस्था, वो अवस्था हमारे सामने होती है किशोरावस्था, वो अवस्था हमारे सामने होती है युवावस्था, वो अवस्था हमारे सामने होती है प्रौढ़ावस्था, वो अवस्था हमारे सामने होती है वृद्धावस्था। और इन सभी अवस्थाओं में, समझिएगा बात को ध्यान से, यही वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने शारीरिक वर्क के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस आगे बढ़ने के क्रम में हम इस दौरान कई अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और अंत में जाकर के हम मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो अवस्थाएं होती हैं हमारे जीवन जीने के दौरान, ये जो अवस्थाएं होती हैं, इन सभी अवस्थाओं में हमारे शरीर की जैविक क्रिया, इन सभी अवस्थाओं में हमारे शरीर की जैविक क्रिया और शारीरिक क्रिया दोनों में अंतर पाया जाता है। जरूरत होगी एक शारीरिक शिक्षक को इस बात की जानने की कि अलग अलग अवस्थाओं में व्यक्ति की जैविक क्रिया और शारीरिक क्रिया में क्या विशेषता पाई जाती है, क्या अंतर हो जाता है कि शैशवावस्था के बालक के जैविक और शारीरिक क्रिया तथा बाल्यावस्था के बालक के जैविक तथा शारीरिक क्रिया के बीच क्या अंतर हो जाता है, बाल्यावस्था के बच्चे की जैविक क्रिया और शारीरिक क्रिया के बीच तथा किशोरावस्था के बच्चे के जैविक एवं शारीरिक क्रिया के बीच क्या अंतर हो जाता है। इसी क्रम में एक अध्यापक को, शारीरिक शिक्षक को यह जानना होगा कि किशोरावस्था के बच्चे के जैविक और शारीरिक क्रिया तथा युवावस्था के बच्चे के जैविक एवं शारीरिक क्रिया के बीच क्या अंतर होता है। इसी तरीके से वह तुलनात्मक जानकारी वृद्धावस्था तक की प्राप्त करेगा। अब चूंकि वृद्धों को तो पढ़ाना नहीं है, हमको पढ़ाना किसको है, बच्चे को, तो आपके सामने ज्यादातर बालक, किशोर और युवा बच्चे होंगे, इसलिए बालक, किशोर और युवा बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको फाउंडेशन से ही चलना पड़ेगा, शरीर से संबंधित गतिविधियों की जानकारी आपको प्राप्त करना होगा।
क्लियर हुआ इतनी बात? मुझे उम्मीद है कि आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, जो बात हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं वो आपके दिमाग में उतर जाए। हम जैविक सत्ता को पढ़ रहे हैं, जैविक आधार को तय कर रहे हैं। फाउंडेशन हमारा तय होता है गर्भ में, गर्भ से हम विकसित होना शुरू कर देते हैं। संयुक्त कोष का निर्माण होता है माता के गर्भ में, उसी संयुक्त कोष से हमारे शरीर को संरचना प्राप्त होती है, वहीं से हमारी जैविक क्रियाएं शुरू हो जाती है, वहीं से हमारी जैविक क्रियाएं और शारीरिक क्रियाएं शुरू होती है, और पैदा होने के बाद भी वो जैविक क्रियाएं और शारीरिक क्रियाएं चलती रहती हैं। लेकिन इस पैदा होने के बाद और उम्र में बढ़ते हुए हम विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं, और प्रत्येक अवस्था में जैविक और शारीरिक क्रियाओं में अंतर पाया जाता है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बीच की जैविक क्रिया और शारीरिक क्रिया में अंतर हो जाएगा। बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की जैविक क्रिया और शारीरिक क्रिया के बीच अंतर हो जाएगा। किशोरावस्था से युवावस्था के बीच जब जाएंगे तो जैविक क्रिया और शारीरिक क्रिया के बीच अंतर हो जाएगा। सिंपल एक एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं, समझ में आ जाएगी बात। जैसे शैशवावस्था के बच्चे की यदि हम बात करें, जैविक क्रिया की बात करें, इनके शरीर की जैविक क्रिया का मतलब यह है यहां पर ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। जब यहां पर ब्रेन पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ब्रेन ही वह मालिक होता है जो हमारे शरीर पर कंट्रोल बनाता है, हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, जैविक क्रियाओं के करने के लिए भी और शारीरिक क्रियाओं के भी करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि यहां की जैविक क्रियाएं थोड़ी सी कम होंगी, शिथिल होंगी, जो मूलभूत होंगी वही केवल जैविक क्रियाएं होंगी। जैसे सभी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं कर सकता है। अब 3 महीने के बच्चे को दाल चावल रोटी सब्जी आप खिला नहीं सकते हो, क्योंकि इन सभी का पाचन करने में उसको कठिनाई होगी, क्योंकि उस प्रकार की जैविक क्रिया का विकास अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, इस अवस्था में 3 महीने के बच्चे से आप उम्मीद करें कि वह नई पीढ़ी को जन्म दे दे, एक प्रकार का बच्चा पैदा कर दे, वह भी क्योंकि मानव है, कभी न कभी तो बच्चा पैदा करेगा, तो शैशवावस्था में ही बच्चा क्यों ना पैदा कर दे, क्योंकि इस प्रकार की जैविक क्रिया का विकास अभी नहीं हुआ है, अभी हार्मोन से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो वो जैविक क्रिया जिस उम्र में आएगी उसी उम्र में वह कार्य वो कर सकता है। इसी शैशवावस्था के बच्चे से यदि आप बात करें कि यह शारीरिक श्रम कर दे वयस्कों के समान, नहीं कर सकता है, क्योंकि ना तो जैविक क्रिया का विकास उस तरीके का हुआ है, ना तो शारीरिक क्रिया का विकास उस तरीके का हुआ है। ये जैविक क्रिया और ये शारीरिक क्रिया दोनों डिपेंड करती हैं हमारी शारीरिक बनावट, हमारी शारीरिक स्थिरता, हमारी शारीरिक मजबूती पर। जैसे जैसे बालक की उम्र आगे बढ़ती जाती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सांवेदिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से वह विकसित होता चला जाता है, और जैसे जैसे व्यवहार की या विकास के सभी पहलुओं का उसके विकास होता है, उसकी जैविक क्रिया और उसकी शारीरिक क्रिया परिवर्तित होती जाती है, मैच्योरिटी की ओर अग्रसरित होती जाती है, और अंत में जाकर के बालक एक बेहतरीन तरीके की जैविक और शारीरिक क्रिया दोनों कर सकता है। एक बात यहां पर आपको समझा दें, जैविक क्रिया का विकास तो होगा, स्वतः भी जैविक क्रिया का विकास होगा, केवल उसकी उम्र आगे बढ़ती रहेगी तब भी जैविक क्रिया का विकास उसका होगा, नेचुरल होगा, लेकिन शारीरिक क्रिया का विकास नेचुरल नहीं होता है। इसी में जरूरत पड़ जाती है शारीरिक शिक्षक की, शारीरिक क्रियाओं के सही कार्य करवाने के लिए जरूरत पड़ जाएगी। किसकी? शारीरिक शिक्षक की जरूरत पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि व्यायाम और शारीरिक क्रियाओं को करवाया जाए बच्चे को, तो बच्चे का शारीरिक विकास बेहतर होगा, बच्चे की शारीरिक क्रियाओं पर उसका अपना कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, तो बच्चे का शारीरिक पक्ष मजबूत होगा। और जब बच्चे के हम शारीरिक पक्ष पर काम करने लगेंगे तो जो जैविक क्रियाएं स्वभावतः विकसित हो रही थी उनमें और मजबूती आ जाएगी। यानी कि शारीरिक क्रियाओं को करने से ना सिर्फ शरीर को फायदा होता है, ना सिर्फ हम जटिल शारीरिक क्रियाओं को ही सीखते हैं, बल्कि हमारी जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो जैविक क्रियाओं का संतुलन भी एक बेहतर तरीके का बनता है, हमारे शरीर के हार्मोन एक बेहतर वर्क करते हैं। लेकिन यदि कोई भी वर्क ना करवाया जाए, शैशवावस्था से धीरे धीरे बालक स्वभावतः उम्र में आगे बढ़ रहा है, कोई भी उससे वर्क नहीं करवाया जा रहा है, तो भी जैविक क्रियाएं काम करेंगी, भोजन का पाचन, रक्त संचरण, हृदय की धड़कन, ब्रेन का काम, मांसपेशियों का संकुचन, ये सारे वर्क होंगे। शारीरिक वर्क भी वो अपनी आवश्यकता अनुसार कर लेगा जीवन को चलाने के लिए। लेकिन यदि उसी बालक को जो स्वभावता विकसित हो रहा है, नेचुरल विकसित हो रहा है, उसमें अगर योगदान कर दिया जाए, उसको फिजिकल वर्क करवाया जाए, तो फिजिकल वर्क जब करवाया जाएगा तो शारीरिक संगठन उसका और बेहतर होगा, जटिल शारीरिक क्रियाओं को वह और बेहतर तरीके से कर सकता है, और ना सिर्फ जटिल शारीरिक क्रियाओं को और बेहतर तरीके से कर सकता है, बल्कि उसकी जैविक क्रियाएं भी और बेहतर हो सकती हैं और मजबूत हो सकती हैं।
कौन सी जटिल जैविक क्रियाएं मजबूत हो सकती हैं, ब्लड सर्कुलेशन उसका सही होगा, उसका हार्ट सही काम करेगा, उसका पाचन सही काम करेगा, उसके ब्रेन पर उसका अपना कंट्रोल होगा, मस्तिष्क भी उसका संतुलन में रहेगा, संवेग उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में रहेंगे, उसकी जब इतने पक्ष उसके कंट्रोल में रहेंगे तो उस बालक का सही सामाजिक परिवेश होगा, उस बालक की सही नैतिकता होगी, उस बालक का सही आचरण होगा। हम ऐसे ही व्यक्ति का जो सभी व्यवहार के पक्षों में सशक्तता रखता हो अपेक्षा करते हैं कि वह हमारे राष्ट्र में हो। यह हमारे शारीरिक शिक्षा के एजुकेशन का जो फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन था, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एज ए टीचर हमको क्यों पढ़ना है, इस बात की जानकारी अभी तक हमने आपको उपलब्ध करवाई। यहीं से आगे का क्रम बढ़ता है। वृद्धि और विकास में हमने आपको समझा दिया कि हम विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं। वो अवस्थाएं कौन होती हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब हम लोग आगे के क्रम में इन्हीं अवस्थाओं में कुछ शारीरिक विशेषताएं, यानी कि अवस्थाओं की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पढ़ेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हमको मदद करेंगे बच्चे को शारीरिक शिक्षा देने के लिए। इसलिए उम्र के विभिन्न पड़ावों से होता हुआ व्यक्ति जो आगे बढ़ता है, उम्र के प्रत्येक व्यवहार के या विकास के पहलू को जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो आज के सेशन में, क्योंकि अगर हम अध्ययन करना शुरू कर देंगे कि शैशवावस्था की विशेषताएं, बाल्यावस्था की विशेषताएं, किशोरावस्था की विशेषताएं, तब एक बहुत लंबा सेशन हो जाएगा और आप उब जाएंगे। आराम से पढ़िए, बारीकी से जानकारी लेते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बेहतर फिजिकल एजुकेशन समझ में आएगा, आ रहा होगा, और आप लोगों के बेहतर सपोर्ट और प्यार दुलार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।